आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है सभोपदेशक 11वां अध्याय। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सभों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है।